शहर के लखनऊ रोड पर सोमवार को बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हरदोई सांसद जयप्रकाश रावत धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दरअसल एक दिन पहले शहर में होर्डिंग बैनर हटवा रहे सिटी मजिस्ट्रेट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा के नाम का बोर्ड उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ बदसलूकी भी की। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का आरोप है कि उनकी पत्नी स्वर्गीय लता वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बदसलूकी किए जाने से बेहद आहत थी और इसी वजह से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सांसद जयप्रकाश रावत उनके आवास के पास पहुंचे और सड़क पर बैठकर धरना दिया। हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा तांडव मचाया गया और लगभग सभी जो हमारे यहाँ प्रभावी नेतागण हैं हमारे पार्टी के और उनके घर जा करके उनके मैं स्वयं हमारे घर पर से बाउंड्री वॉल से झंडे उखाड़े गए। हमारा बोर्ड जो था लगा था नाम का वो उखाड़ा गया। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्याराम वर्मा जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री मधुर मिश्रा जी, हमारे जिला का पार्टी कार्यालय से जिस तरह से अशोभनीय तरीके से वहाँ से जो सामग्री तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो बोर्ड उखाड़े गए जिससे कोई मतलब नहीं था, जबकि मतलब भी था तो आचार संहिता में के बाद 24 घंटे के अंदर उनको सूचना देनी चाहिए थी कि ये अपने जो बोर्ड हैं या इस तरह से जो उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है उनको हटा ले और बिना कोई सूचना दिए हुए जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट ने जो दुर्व्यवहार किया लोगों के साथ, हमारे आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा जी के साथ, और उनको जो गालियां दी जो कि सीधे वीडियो में भी लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, उनसे उनको भी शॉक लगा और उनकी धर्मपत्नी जो कि पहले से बीमार थी उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा। तो उस प्रकरण में हम सब लोग यहाँ पर आज उनको उनके साथ संवेदना में आए हुए थे। क्या अधिकारियों से क्या मांग की आप लोगों ने और क्या आश्वासन मिला? आदरणीय विद्याराम जी ने अपनी बात रखी है और जो उनके साथ घटा उन्होंने अधिकारियों से भी बताया है। क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? प्रशासन ने कहा है हम इसमें देखेंगे, जांच करेंगे उसके जो भी होगा, यदि कोई इसमें पाया जाता है गलत तरीके से किसी ने किया है तो किसी रूप से कार्रवाई होगी।